हाय फ्रेंड्स, आप सभी का वीकेंड में स्वागत है। वीकेंड आपसे टिप्स, ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स हिंदी में शेयर करता है, जिससे आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाय गाइस, आई एम प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने बिक की किसी भी इमेज की बैकग्राउंड को चेंज या फिर इरेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये लोगो बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी अच्छा है ये लोगों को ट्रांसपेरेंसी देने के लिए। ठीक है, तो आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो इसे बैकग्राउंड इरेजर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी ईजिली मिल जाएगा। रिमूवर करके देख लेते हैं ताकि ईजिली आ जाए। देखिए आ गया है और यही है इसका, आप सॉरी लोगो पहचान लीजिए ताकि आप इसे ईजिली पहचान सकें और इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, तो फटाफट से इंस्टॉल कर लेते, मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल करने टाइम में जो भी आपसे परमिशन मांगे उसे दे दीजिए, अलाउ कर दीजिए। ठीक है, और चलते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ कि कैसे यूज़ करना है इस एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन को ऑन कर लेते हैं। लोड अप फोटो से जाते हैं, गैलरी से एक इमेज उठाते हैं फटाफट से। एक माउस का, मैंने माउस की एक पिक ले रखी है जिसका बैकग्राउंड एक ही है, वाइट है। आप भी ट्राई करिए कि जिस पिक के साथ आपको एडिटिंग करनी है उसका बैकग्राउंड एक रहे, वाइट, ब्लू, ब्लैक, कुछ भी हो, उससे इस एप्लीकेशन को फ़र्क नहीं पड़ता। ट्राई करिए कि एक ही हो, और अगर नहीं भी है, मिक्स कलर है या फिर कुछ बैकग्राउंड में और भी काफ़ी चीज़ें हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसे डन करते हैं। डन करने के बाद देखिए आप आ जाते हैं ऑपरेशन थिएटर बोल लीजिए, तो यहाँ पे आपको कुछ टूल्स मिल जाएंगे, एक्सट्रैक्ट, ऑटो, मैजिक, मैनुअल, रिपेयर और जूम। जूम आपको पता ही है, मैनुअल भी आपको बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। मैनुअल में आपको मैनुअल ही इसे इरेज करना पड़ेगा। और ऑटो, ऑटो में जाके आप क्या कर सकते हैं, एक बेनिफिट ये है कि इमेज के अंदर जो भी सेम कलर का मिलेगा सेम कलर पर आप जाइए, ऑब्जेक्ट के आसपास का हम रिमूव कर लेते हैं, वो इमेज के अंदर जो भी सेम कलर होगा उसे वो इरेज कर देगा अपने आप ही सिलेक्ट करके। तो फिर इसे फटाफट से कर लेते हैं। इसे करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड का अब हम मैनुअल टूल ले लेते हैं। मैनुअल टूल में टूल के साइज़ को बड़ा करते हैं और फटाफट से इसे इरेज कर लेते हैं। इसे इरेज कर लेते हैं फटाफट से। आप नीचे कुछ टूल्स देख रहे होंगे, रिपेयर टूल, जैसे इरेज टूल वर्क कर रहा है, जहाँ जहाँ इसे हम मूव कर रहे हैं इस टूल को वो इरेज हो रहा है। ऐसे रिपेयर में होगा, जहाँ जहाँ इस टूल को मूव करेंगे वो इरेज हुआ हुआ पोर्शन वापस आ जाएगा। ठीक है, और नीचे जो आपको काउंटिंग नज़र आ रही होगी 16, 17, इसे ये एक्चुअली हमारा स्टेप काउंट कर रहा है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप बैक भी जा सकता है, अगर आपसे बाय मिस्टेक कुछ क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है, इरेज हो जाता है। ठीक है, और इसमें से वो सबसे बेटर ऑप्शन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है स्मूथनेस का। ठीक है, अगर आपसे कुछ स्मूथली नहीं हो पा रहा है, मतलब आपने जो कि अभी देख सकते हैं कुछ वाइटनेस रह रही है इसके आसपास, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा फंक्शन है, वहाँ पे आप स्टेप 5 चूज़ करिए और ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और आपका लोगो तैयार हो जाएगा या फिर आपकी इमेज इरेज हो जाएगी बाद में, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आप किसी भी बैकग्राउंड को उस पर लगा सकते हैं, किसी बैकग्राउंड के पीछे के ऊपर इसे डाल सकते हैं इमेज को। ठीक है, तो चलिए इसे सेव कर लेते हैं। इसे सेव करते ही आपके पास ये गैलरी में आ जाएगा और इस तरीके से आप अपनी इमेज के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या इरेज कर सकते हैं। सो आप इस एप्लीकेशन को, ये आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइज, ये जो वीडियो थी एक रिक्वेस्ट पे बनाई गई थी, तो अगर आपको भी कुछ जानना है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के यूट्यूब पे डालें। और दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए थैंक्स, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।